दो चार मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, है ना? आवाज आ रही है मेरी? पुनीत जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ है ठीक है, तो 2 मिनट और वेट करते हैं, एक बार ग्रुप में डाल दो फिर हम शुरू कर लेते हैं, है ना? ओके ओके सर, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो। हाँ हाँ चलिए हम शुरू कर लेते हैं, जो भी जो लोग भी हैं, जो भी चित्र है ना आएगा तो स्टार्ट करें, है सर। ना? अब आएगा जो नहीं आएगा अब क्या करें। तो आज हम एक और जो दो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे टुडे, एंड ये यूनिट फिर हमारी खत्म हो जाएगी। सो सबसे पहली चीज, जो पहला टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रुस्कल वैलिस टेस्ट है। तो डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विलियम हैरी प्रुस्कल एंड विल्सन एलन वैलिस, इन लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। दे यूज द टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, इट टेस्ट द
इक्वलिटी ऑफ द प्रपोर्शन मीडियन एमंग ग्रुप। तो प्रपोर्शन मीडियन का दिखाते हैं आपको कि कौन आपका जो मीडियन है उनका प्रपोर्शन कैसा है, क्या जॉइंट कैसे मतलब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली इक्विटी ऑफ पॉपुलेशन मीडियन एमंग ग्रुप्स इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्रूस्कल वैलिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो इक्विवेलेंट है आपका किसके एनोवा की, एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट फॉर थ्री और मोर ग्रुप्स। तो उसी का एक्सटेंशन है मैन विटनी यू टेस्ट जो हमने किया था। बेसिकली ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरह ही होते हैं और मतलब सेम फंक्शन के लिए होते हैं, लेकिन ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। तो द टेस्ट टू टेस्ट होमोजेनिटी ऑफ द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीडियन एमंग ग्रुप्स। सो क्या किस क्यों हम यूज करते हैं द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सैंपल्स, की सैंपल्स हमारा होमोजेनियस है कि नहीं है। टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीडियंस, तो पॉपुलेशन के जो मीडियंस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस चेक कर सकते हैं। एंड क्या कंडीशंस हैं इसको यूज करने की, व्हेन देर आर थ्री और मोर कंपेरेबल ग्रुप, यानी कि तीन या उससे ज्यादा है। दो तक तो हम बाकी के टेस्ट कर लेते हैं, है ना, जैसे हम वहां पे कर रहे थे टी टेस्ट एंड ऑल्सो। तो जहां जब हम दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कंपेरेबल ग्रुप इज फाइव और मोर, तो मिनिमम फाइव या मोर ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, यानी कि एक सैंपल में कम से कम फाइव और मोर डेटा और आइटम्स जिनको हम बोलते हैं मस्ट बी देयर। द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट्स द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या करता है कि ये अप्रोक्सीमेशन किसका होता है, किससे मिलता जुलता है, काई स्क्वायर से। व्हेन द अजम्पशन ऑफ वन वे एनोवा आर नॉट मेट, तो अगर वन वे एनोवा का अजम्पशन नहीं मिलता है तो हम अजम्पशंस मतलब जो उसके बेसिक प्रीरिक्विजिट है नहीं मिलती है मिलते हैं तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक है। व्हेन देयर इज वन नॉमिनल वेरिएबल, एक नॉमिनल वेरिएबल हो, एंड वन मेजर मेजरमेंट इज रैंक्ड वेरिएबल, एक क्या हो, रैंक्ड हो। तो नॉमिनल यानी जैसे मैंने कल बताया था मेल फीमेल है ना, एडिक्ट नॉन एडिक्ट है ना, डायबिटिक नॉन डायबिटिक, तो ये नॉमिनल हो गया क्योंकि इनको सिर्फ दो, इनको बीच की कोई कैटेगरी नहीं है, डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। मेजर और अगला मेजरमेंट कैसा हो, रैंक्ड हो यानी रैंक्स में हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये एच जी आपको पता है क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रैंक, सम रैंक, एंड देन कैलकुलेट के डब्ल्यू स्टैटिस्टिक एंड क्रिटिकल वैल्यू स्टैटिस्टिक एंड कंपेयर। तो स्टेप्स क्या होंगे, नल हाइपोथेसिस आप बनाएंगे है ना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी होगी, आप रैंक करेंगे, रैंक का सम करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। ये इस तरह की स्टेप्स हम पहले भी मैन विटनी टेस्ट और उनमें कर चुके हैं एंड कंपेयर कर देंगे। इसको फॉर्मूला आपका ये रहेगा है ना, 12 डिवाइडेड बाय एन एन प्लस वन सम ऑफ आर आर आई स्क्वायर एंड एन आई माइनस थ्री एंड ग्रुप में एन प्लस वन ब्रैकेट में सॉरी प्री रिक्विजिट देयर मस्ट बी थ्री और मोर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टू के लिए तो हम करने नहीं है तो यहाँ पे थ्री और मोर ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी मेजर्ड ऑन रेशियो और इंटरवल स्केल, ऑब्जर्वेशन जो होने चाहिए वो रेशियो या इंटरवल स्केल्स पे हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप शुड बी फाइव और मोर, ऑलरेडी हमने बात की है। द ग्रुप आर कंपेरेबल बट इनडिपेंडेंट ऑफ इट, तो ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, कंपेरेबल और इनडिपेंडेंट ग्रुप होने चाहिए आपके। कंपेरेबल इनडिपेंडेंट तो मैंने बताया है क्या होता है, कंपेरेबल मतलब कि आप दो चीजों को कंपेयर कर सके। सपोज आपने बच्चे ले लिए, चाइल्ड ले लिए 6 to 8 ईयर्स के, और दूसरा आपने एडल्ट्स ले लिए, ठीक है,
वो ले लिया आपने 18 to 20 के, अब इन दोनों के आईक्यू का मैच कर रहे हो आप, तो ये अननोन कंपेरेबल है, नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते भाई। इनका स्टेज एज का जो है डेवलपमेंटल से जो अलग है, ये अलग है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हो तो इनकी ज्यादा होगी, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते। इक्वल ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं हमेशा, तो कंपेरेबल होने चाहिए। एंड विद इन ईच ग्रुप द ऑब्जर्वेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कि उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। When we substitute rank for the original values, we lose information which makes KW test somewhat less powerful than one way ANOVA में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो डेटा आ रहा है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है आपके पास, वो ऐसी चीज ही आप यूज करते हो, उनका मीन मीडियन मोड, आप मीन मीन निकालते हो, SD निकालते हो, एंड देन आप F टेस्ट लगाते हो, तो वो सारी चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोज डेटा आ रहा है 10, 20, 21, 35, 33, ये सब आ रहा है, तो ओरिजिनल डेटा आप यूज नहीं करते हो, क्या करते हो, इसको रैंक कर देते हो। ये हमने देखा था पिछले टेस्ट में भी, रैंक कर दिया कि 10 है तो 1 है ना, 10 के बाद 20 का 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसका 4 हो गया रैंक, इसका 5 हो गया, तो क्या होता है कि तो टेस्ट को कम पावरफुल कर देता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हम ये यूज करते हैं। फॉर स्मॉल सैंपल साइज, जैसे मैंने बोला था कि below 30 अगर है क्या कहते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर द सैंपल इज ड्रॉन इज नॉट ए नॉर्मल, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी छोटा सैंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके पास स्कोर्स आए हैं उस पे बेस्ड है। नो इन्फॉर्मेशन इज डिलीटेड और ओमिटेड, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन घटाते या जोड़ते नहीं है। जैसे कि नॉन पैरामेट्रिक में कई बार हम प्लस का साइन हटा ले, पैरामेट्रिक में प्लस का साइन, प्लस माइनस का साइन हटा देते हैं, या उसको स्क्वायर कर देते हैं, नंबर है सपोज एन है, एन का अंडर स्कोर कर दिया या एन का स्क्वायर कर लिया, तो वो सब चीजें नहीं करते हम, टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड एंड क्वान्टिटिव टेस्ट, और क्वान्टिटिव है। कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन वेरी लार्ज डेटा, डेफिनेटली लार्ज डेटा होता है तो उसके चांसेस हैं कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेगा, तो जब उसको फॉलो करने वाला टेस्ट होता है तो फिर हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं करते हैं, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, द सीरम प्रोटीन लेवल ग्राम पर डीएल क्वांटिटी आई थिंक होता हुआ कुछ, ऑफ 15 केसेस विद ग्रेड 1, 2, 3 अंडर न्यूट्रिशन आर गिवन बिलो, तो ग्रेड 1 का ये है, ग्रेड 2 का ये स्कोर है, ग्रेड 3 का ये स्कोर है। देखो अगर सिर्फ दो होते तो दूसरा टेस्ट हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीन ग्रुप है, 1, 2, 3। अब हमें ये देखना है टेस्ट वेदर द डिफरेंस इन द सीरम प्रोटीन लेवल आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इस पे 5% ऑफ डिग्री जो हमारा 5% अल्फा वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो H0 क्या होगा कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है सीरम प्रोटीन लेवल में, H1 मतलब तीनों ग्रुप में डिफरेंसेस हैं प्रोटीन लेवल में, ये हम मान के चल रहे। तो अब हमारे पास सीरम प्रोटीन लेवल ये सारा डेटा आ गया, दोनों तीनों ग्रुप का डेटा है ये, है ना, ये कौन सा ग्रेड 1 का है, कौन सा ग्रेड 2 का है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने रैंक्स दे दी, यानी कि 5, 5, 5 है तो तीन ग्रुप्स में तो 15 टोटल हो गया, तो ये रैंक्स हमने दे दी, 5.4 सबसे छोटा है तो 1, 5.5 उससे बड़ा है तो 2, 5.6 उससे बड़ा है तो 3, तो ये रैंक्स हमने इनको दे दी जैसा हमने बोला था कि रैंक। अब इन रैंक्स का सम कर लेते हैं, तो ये सारी रैंक्स हो गई, डेटा की रैंक्स हो गई तीनों ग्रुप की अलग अलग, तो R1 का सम, R2 का सम, R3 का सम हमने निकाल लिया, R1 का सम का स्क्वायर कर दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, एंड देन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, तो N कितना है यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे जब 5 है तो इसे डिवाइड कर दिया, सब में 5 ही है तो इनको सबको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास R2 स्क्वायर आ गया, R1 स्क्वायर आ गया, R3 स्क्वायर आ गया। एंड अब ये जब हमारे पास आ गया तो ये फॉर्मूला देखो हमारा, हमने देखा था तो ये फॉर्मूला में हम ये रख के निकाल सकते हैं, R1 आ गया ये स्क्वायर, सम ऑफ
आर आई स्क्वायर, तो आर आई स्क्वायर मतलब तीनों के स्क्वायर्स का सम कर दिया, R1 R2 R3 का, तीनों का ये 15 आ जाएगा, ये 3 है, n टोटल हमारा कितना हो गया, 15 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 1 हो जाएगा, ये 12 की वैल्यू इस एज इट इज रहेगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले में रख के मतलब सिंपल कैलकुलेशन है करके हम क्वेश्चन क्वेश्चन वैल्यूज टेस्ट में कहाँ यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया इसको हम जहाँ पे दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं इनको कंपेयर करना है, और इस डेटा हमारा सैंपल हमारा छोटा है और हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है, तो वहां पे हम इसको यूज कर देते हैं। मेन चीज है कि नॉन पैरा ऑब्जर्वेशंस जो भी हमारे पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और एक डेटा हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक हमारा क्या कहते हैं नॉमिनल, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो क्या है, ये डेटा आपका कंटिन्यूअस वाला डेटा आ रहा है सारा, ये नॉमिनल है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ये नॉमिनल है, तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है। अब इसी को हम रैंक कर लेते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से हम क्रिटिकल वैल्यूज टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अगर वो वैल्यू हमारी एच की वैल्यू 0.05 यहाँ पे नहीं वो बताया है हर एक टेस्ट की तरह, तो ये वैल्यू जो हमारी आ गई क्या कहते हैं जो हमने कैलकुलेट की, हाँ यहाँ से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको 0.05 लेवल के ऊपर हम चेक कर लेंगे कि क्या वो उससे ज्यादा है या कम है, अकॉर्डिंगली हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज टेस्ट हमारा हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा है फ्राइड मैन टेस्ट। अगेन ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर मिल्टन फ्राइड मैन। मिल्टन फ्राइड मैन ने इसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया था, तो ये उनके बारे में कुछ थ्योरी है। तो was born on in 1912 and died on 2006 in at the age of 94। क्या इन्होंने दिया, अब ये इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जा रहे, इन्होंने प्राइस थ्योरी अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वॉलंटरी मिलिट्री फ्राइडमैन टेस्ट ये सारी चीजें इन्होंने दिया, एंड ये अवार्ड्स उनको मिले। छोड़ देते हैं हम, आप सीधे फ्राइड मैन पे आ जाते हैं कि फ्राइड मैन टेस्ट है क्या। द फ्राइड मैन टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू एनोवा विद रिपीटेड मेजर्स। अब क्या है फ्राइड मैन टेस्ट कहाँ पे होगा, हमने रिपीटेड मेजर एनोवा किया था, तो जो रिपीटेड मेजर एनोवा है उसका नॉन पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं कि फ्राइड मैन टेस्ट है। इट इज यूज टू टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग मेजर्ड इन ऑर्डिनल। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वेरिएबल दो तरीके से आपको पता है होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मेजर किया जा रहा है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में रैंक्स में अगर किया जा रहा है तब हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस देखने के लिए। तो फ्राइडमैन टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉपुलेशन फॉर डिपेंडेंट डेटा। तो आइडेंटिकल पॉपुलेशन जो सिमिलर पॉपुलेशंस हैं उनको उनका जो डिपेंडेंट डेटा है उसके लिए यानी रिपीटेड मेजर्स जो हैं उनके लिए हम फ्राइडमैन टेस्ट को यूज करते हैं। द टेस्ट इज सिमिलर टू क्रिटिकल वैल्यूज टेस्ट, इट यूजेस ओनली द रैंक इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा। जैसे वहां पे भी जो डेटा हमारे पास आया उसको हमने रैंक में कन्वर्ट कर लिया और उसी को हम सिर्फ यूज करते हैं। तो एजम्पशंस क्या है, द आर ब्लॉक्स आर इंडिपेंडेंट सो दैट द मेजरमेंट इन वन ब्लॉक हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द मेजरमेंट इन अदर ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जो सैंपल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। द अंडरलाइंग रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, नहीं?
तो अंडरलाइन रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअस, तो अंडरलाइन जो रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस का मतलब जैसे लास्ट वाले टेस्ट में क्रिस्कल वैलिस में था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो टेस्ट जो स्कोर्स आ रहे हैं, जैसे प्रोटीन की वैल्यू आ रही थी वो कंटिन्यूअस वैल्यू, उसको हम रैंक में कन्वर्ट कर, तो कंटिन्यूअस अंडरलाइन वेरिएबल होना मतलब डेटा होना चाहिए हमारे पास। तो द ऑब्जर्व डेटा कंस्टिट्यूट एटलीस्ट एन ऑर्डिनल स्केल, और जो भी डेटा हमारे पास है उसमें कम से कम एक डेटा ऐसा हो जो ऑर्डिनल हो, ऑर्डर है ना, एंड मेजरमेंट विद इन ईच ऑफ आवर ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक में एक ऑर्डिनल डेटा होना चाहिए। देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एम ब्लॉक एंड द के ट्रीटमेंट लेवल, सो जितने भी ब्लॉक्स हैं और उनके ट्रीटमेंट्स हैं यानी जो उनके, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब तो कहने का मतलब सीधा सा है कि कोई डिपेंडेंसी एक सैंपल की एक ग्रुप की दूसरे पे नहीं होनी चाहिए। द सी पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएबिलिटी, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी सिमिलर वेरिएबिलिटी हो। सी पॉपुलेशन हैव द सेम शेप, शेप उनका अगर एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दूसरा भी इसी तरीके से होना चाहिए, ये मान के हम चलते हैं ये जम्सन। तो स्टेप्स क्या है हर एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में? पहला जो स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दूसरा सिग्निफिकेंट लेवल डिसाइड करना है, वो यूजुअली हम 0.05 हम रखते हैं, है ना, अगर टू टेल टेस्ट है तो वो तब भी, और वन टेल दोनों में। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम क्या यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम करते हैं, क्रिटिकल रीजन हम निकालते हैं, क्रिटिकल रीजन मतलब कि हमारा जो स्कोर आता है हम अल्फा वैल्यू जो टी टेबल से हम देखते हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, तो ये हम हमारा डिसीजन होता है। तो फॉर्मल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या, तो जितने भी ग्रुप है उनके मीन हम मान के चलते हैं, है ना, तो चेक द इक्वलिटी ऑफ मीन्स डिफरेंट ट्रीटमेंट एज इन ओवर देन नल हाइपोथेसिस विल बी स्टेटेड दैट नल हाइपोथेसिस की लाइक एम वन एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, चौथे ग्रुप का और जितने भी ग्रुप है के तक या एन जिनको हम बोलते हैं, वो सारे के सारी पॉपुलेशन की जो मीन है या ग्रुप के जो मीन्स हैं वो दे आर इक्वल। इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि देर इज नो डिफरेंस, है ना, एंड नल हाइपोथेसिस ये एक बोलती है हमारे कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। H1 नॉट ऑल मीडियंस आर इक्वल, अब H अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि भाई सारे मींस इक्वल नहीं है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हम 0.5 ले लेते हैं एज यूजुअल। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम क्या यूज करेंगे, ये है Q इक्वल टू 12 MK K प्लस 1 K, है ना, और इसका सम हो गया RJ। देखो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपका क्रिस्कल वैलिस में था, है ना, यहाँ पे रिपीटेड मेजर है लेकिन वहां पे रिपीटेड इंडिपेंडेंट था जो डेटा हमारे पास था, तो जहाँ पे रिपीटेड होगा वहां पे क्रिस्कल वैलिस, जहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा वहां पे आप क्या कहते हैं सॉरी क्रिस्कल वैलिस, और जहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है रिपीटेड मेजर्स हैं वहां पे आप यूज करोगे ये फ्राइडमैन टेस्ट। कैलकुलेशन स्टार्ट विद एन रो के कॉलम एंड मतलब रैंक जैसे उसमें करते हैं, अगर यहाँ पे दी होगी दिया होगा तो देखते हैं, हाँ ये टेबल दी हुई है तो रैंक हमने कर लिया जैसे वहां पे हम करते हैं सारे सारे कॉलम्स का सबका एक साथ करके कर लेते हैं। रैंक ऑर्डर एंट्रीज एंट्रीज ऑफ ईच रो इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर रो, सम द रैंक ऑफ ईच कॉलम, सारे कॉलम्स को सम कर लेते हैं, उनका सम स्क्वायर निकाल लेते हैं और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फिर हम यूज कर लेते हैं। तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा 0.05% अल्फा वैल्यू यानी 0.05 पे हम निकाल लेते हैं, ये हमारा रिजेक्शन रिजेक्शन रीजन, अगर हमारा इससे ज्यादा वैल्यू आती है तो इस तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उससे कम आती है तो हम हाइनल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये आपका दिया हुआ है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्राइडमैन टेस्ट, ये आपको मिल जाता है वहां से आपकी टेबल से जो भी होते हैं, तो जो भी एन है उस एन के ऊपर आप यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना स्कोर है। अब जैसे के थ्री के फोर के फाइव यानी कि कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, जैसे के थ्री तीन ग्रुप्स हैं सपोज, और क्रिटिकल वैल्यू हमारी मान लिया कि 8 है, तो हमारी वैल्यू कितना आ गई 1% यानी 0.05001 पे वैल्यू आएगी 9,
एंड 0.005 पे वैल्यू आएगी 6.25। तो अगर इससे ज्यादा है तो या कम है ये चेक करके हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें लाइब्रेरी एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ क्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू देन वी विल नॉट रिजेक्ट H0। यानी जो भी वैल्यू आपकी आई है अगर वो क्या कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि सपोज जैसे मैंने बोला था 8 पे ये 9 है, 0.01 पे ये 6.25, अब सपोज 6.25 से कम है वैल्यू हमारी तो हम नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ज्यादा है तो रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि क्यू वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू देन विल नॉट रिजेक्ट H0, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उससे बड़ी वैल्यू आती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हम यहाँ पे, द मैनेजर ऑफ नेशनली नोन रियल एस्टेट एजेंसी हैज जस्ट कंप्लीटेड ए ट्रेनिंग सेशन ऑन अप्रेजल फॉर द 3 न्यूली हायर्ड एजेंट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज ट्रेनिंग द मैनेजर विशेस टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी डिफरेंस इन द अप्रेज्ड वैल्यू प्लेस्ड ऑन द हाउसेस बाई दीज 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ए सैंपल ऑफ 12 हाउसेज इज सिलेक्टेड बाई द मैनेजर एंड ईच एजेंट इज असाइंड द टास्क ऑफ प्लेसिंग एंड अप्राइज्ड वैल्यू ऑन द 12 हाउसेज। द रिजल्ट आर समराइज फॉलो एज फॉलोज। क्या है, हाउस है 12 हाउस है, एजेंट 1 एजेंट 2 एजेंट 3 के स्कोर्स हैं, है ना, ये तीनों स्कोर्स हैं। और यहाँ पे हमने क्या दिया है, अल्फा वैल्यू हमने डाल दी कि 0.005 पे हमें चेक करना है। अब हमें इन ये जितने भी नंबर ये वैल्यूज हैं इनको हम रैंक करेंगे, है ना, टोटल हमारे पास 36 हैं तीनों का मिला के। तो फॉर्मूला फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस H1H अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या बोल रही है, M1 M2 M3 सारे इक्वल हैं। H अल्टरनेट क्या बोल रही है, नॉट 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 ऑल मीडियंस आर इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना लिया, 0.005 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगेन देखो सेम तरीके से यूज हो रही है जो वहां पे थी। तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये देखो इन्होंने दे दिया इसको क्या क्या दिया है, ये रैंक्स दे दी इन्होंने, है ना। अब ये सम ऑफ ये रैंक्स दी और ये सम ऑफ द रैंक्स इन्होंने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, तो अब ये रैंक्स निकालने के बाद में उनका सम ऑफ रैंक्स इन्होंने निकाला। ठीक, अब सम ऑफ रैंक्स निकालने के बाद में ये आपका सम ऑफ रैंक्स यहाँ पे आपने रख दिया कि ये 17.5 का स्क्वायर ये आप जो यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना, एंड ये 19.5 35 का स्क्वायर, यानी ये RJ आप निकाल रहे हैं कि तीनों को तीनों का स्क्वायर को आपने प्लस कर दिया। एंड 3 माइनस 12, 3 प्लस 1 12 है, तो M हमारा 12 हो गया, 3 × 12 3 प्लस 1 आपने 3 ग्रुप्स हैं एजेंट मतलब 3 एजेंट्स हैं वो कर लिए, तो ये कैलकुलेशन करके आपका 15.29 क्यू वैल्यू आ गई। अब इस की वैल्यू को हम क्रिटिकल रीजन में देखेंगे क्या क्यू क्यू वैल्यू हमारी कितनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू एट 5% 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिजेक्ट H0 यानी नल हाइपोथेसिस इफ क्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे कहाँ से यहाँ से देखेंगे, 12 है, 0.05 पे हम देख रहे हैं, 3 का ग्रुप है तो 6.5 आया हमारा, ये 6.5 वैल्यू आ रही है। हमारी वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15.29। तो हम क्या करेंगे, हमारा कंक्लूजन है कि H0 यानी नल हाइपोथेसिस सही नहीं है ना। तो हमारा जो अल्टरनेट है क्योंकि स्कोर ज्यादा आ रहा है हमारा क्रिटिकल वैल्यू से तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो कंक्लूजन क्या हुआ, वी रिजेक्ट H0 यानी नल हाइपोथेसिस एज कैलकुलेटेड क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू टेबुलेटेड, यानी क्यू टैब मतलब टेबल से जो हमने लिया। हेंस कंक्लूड दैट द
अप्रेजिंग एबिलिटी ऑफ थ्री एजेंट्स आर नॉट द सेम, तीनों की सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल टू इसी का दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ए वॉटर कंपनी सॉट एविडेंसेस द मेजर टेक इन ए क्लीन अप ए रिवर वेयर वर अफेक्टिव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एट 12 साइट ऑफ द रिवर कंपेयर बिफोर क्लीनिंग एंड वन मंथ लेटर ईयर आफ्टर क्लीन अप। तो अब क्या किया कि जो एक कंपनी थी जो नदी को साफ कर रही है, तो अब उसको साफ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मतलब मेजर्स लिए। तो एक तो लिया जब क्लीनिंग होनी थी उससे पहले, एक क्लीनिंग होने के 1 मंथ के बाद में, दूसरा क्लीनिंग होने के 1 साल के बाद में, उन्होंने 3 सैंपल्स लिए। देख इसी को हम बोलते हैं रिपीटेड मेजर्स, यानी कि एक के साथ में एक ही चीज को आप 3 बार असेस कर रहे हो, यानी रिपीट कर रहे हो असेसमेंट को, तो इसी को हम रिपीटेड मेजर असेसमेंट बोलते हैं। और इस केस में ये पहले 1 मंथ आफ्टर क्लीनिंग अप एंड आफ्टर 1 ईयर, और हमें ये देखना है क्या रिवर की कंडीशन में कुछ सुधार हुआ है बाय चेकिंग द बीओडी। तो अब हम इसको सिमिलरली रैंक, वो 3 ग्रुप्स हो गए आपके, तो और इसको हम जितना भी डेटा आया है आपने देखो आप कितना 12 है टोटल, तो हमारा डेटा 12 × 3 = 36 है टोटल, तो उनको हम रैंक करेंगे डेटा को। और नल हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन क्या करेंगे कि भाई कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन बीओडी एंड नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रही है कि भाई इसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें पता है क्या होती है, कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर लिया कि यहाँ पे हमने उनको दे दिए क्या कहते हैं मेजर्स, और उसके बाद हम क्या कहते हैं उनका आरजे स्क्वायर निकाल लिया। आरजे स्क्वायर निकालने के बाद में हमने फॉर्मूला में रखा क्यू की वैल्यू हमारी 8 आ गई, टोटल हमने यहाँ पे 6 कर लिया, टेबलेटेड क्यू हमारी 6.5 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 6.5, यानी क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है उसका इफेक्ट पड़ा है इनके ऊपर, क्या कहते हैं अगर सफाई की है तो वो काम कर रही है, रिवर रिवर जो है वो क्लीन है, ये मान के मतलब ये रिजल्ट में हमारे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग डेटा एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय इन ग्राम्स 8 rats आफ्टर 0, 24, and 72 hours ऑफ द फूड डिप्राइवेशन, यानी एक थोड़ी देर उनको भूखा रखने के बाद है ना, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ फूड डिप्राइवेशन एंड डोमिनेंस इन फूड गेटिंग इन रैट, डज द डेटा इंडिकेट अ डिफरेंस इन द ट्रू मीन ऑफ रैंक फूड एंड कंजम्पशन फॉर 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो क्या तीनों में यानी 0 hours के बाद यानी इमिडिएटली खाना देने और 74 और 72 के स्कोर्स ये दिए हुए हैं, 8 rats हैं, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो अब सीधी सी बात है हमें सारे स्कोर्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है।
एंड सब्जेक्ट हमारे पास 10 है। अच्छा, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 3 जो आप अपने आप से कर सकते हैं, और इसको हम एसपीएसएस में भी यूज कर सकते हैं, है ना। एसपीएसएस में हमें बता दो। तो ये सारी चीजें आपका, ये हो गया फ्राइड माइंड टेस्ट भी, और हमारा जो सिलेबस है अब इसमें सारा ये आपका जो नॉन पैरामेट्रिक वाला एरिया है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दोनों ही टेस्ट हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट में जो बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की करेंगे। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? पता पर किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस और ये सारी चीजें जो होती हैं, शायद वही चीजें इसमें की जाती हैं। नहीं, हाइपोथेसिस तो नहीं। डिजाइन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गर्व, आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? सर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आई जस्ट अभी याद नहीं आ रहा है सर, उसको मैंने पढ़ा तो था मास्टर्स में बट हाँ, आई मार्केट डिड में होता है। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं और फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो क्या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेसिकली क्या है कि आप अपने जो, एक मिनट स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा। तो लेट मी शेयर अगेन। सर। इज इट रिलेटेड टू जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम यूज करते हैं? हाँ, वो भी होता है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो लेट्स से ये है, नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, ये खोल लेता हूँ मैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? अच्छा, कोई भी, हाँ, सपोज हमें ये देखना है कि हमारे पास आप ये कह सकते हो कि जैसे हम ये मान लें कि हमें कुछ स्टडी करनी है। स्टडी क्या करना है? लेट्स से हमें स्टडी करनी है ड्रग एडिक्शन पे, सपोज करना है कि ड्रग एडिक्ट्स पे हमें कुछ स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब ड्रग एडिक्ट पे हमें स्टडी करने के लिए हमें ये देखना है क्या हमारी हमारा जो ड्रग एडिक्ट है उनकी पर्सनालिटी में कुछ डिविएशंस होते हैं क्या। हमें ये स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, कि उनकी पर्सनालिटी क्या और लोगों से कुछ डिफरेंट होती है ना। ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ, कि हमारे पास ये ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग एडिक्ट्स में हम ये हमें ये देखना है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हमारे, क्या इनकी पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस होता है क्या और लोगों से। तो अब इसको, एक तो ये है क्या, अगर हम ये चेक कर लें, लेट मैं ही बात कर लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है, कि हमने पर्सनालिटी एक ग्रुप ले लिया। किसका ले लिया ग्रुप? ड्रग एडिक्ट्स का ग्रुप ले लिया, है ना। तो ग्रुप 1 हो गया, एक ग्रुप हो गया, उसकी हमने पर्सनालिटी का असेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो क्या हमें उसकी पर्सनालिटी पता लग जाएगी? बोलो भाई, फटाफट बोलते रहो, टाइम नहीं है। जी, सर। पर्सनालिटी हमें पता लगेगी, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ पर्सनालिटी असेस करने के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दूसरे लोगों से, नॉर्मल लोगों से जो लोग एडिक्ट नहीं है उनसे डिफरेंट है, क्या पता लगेगा? नहीं लग पाएगा सर इसका हाँ ना, वो सर। तब पता लगेगा बिल्कुल जब हम एक ग्रुप 2 भी लें जो नॉर्मल लोग हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन जरूरी है। बिल्कुल हाँ, तो हम उनकी पर्सनालिटी को असेस करेंगे। अब इनके स्कोर और इनके स्कोर को हम कंपेयर करेंगे, है ना। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर
तो अब क्या कहते हैं, तो ये हम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करते हैं, ये चीज वही है कि इसमें ठीक है। अब ये जब हमने कर लिया, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो हाइपोथेसिस और क्या होगी कैसे होगी, वो अलग चीज, वो भी वो स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये इसी तरीके से हम डिजाइन करते हैं। तो अब हमने, अब मान सपोज मान लिया कि हमें ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, और हमें ये देखना है कि क्या कहते हैं, हमें इनको क्या कह, इनको हमें सीबीटी देनी है, सीबीटी हमें देखनी है कि क्या सीबीटी ये जिनको ये पर्सनालिटी की प्रॉब्लम्स है या एडिक्शन की प्रॉब्लम है, इनके ऊपर इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो हमने इनको सीबीटी दी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा हमारा ग्रुप क्या हो जाएंगे, हमारे हम क्या ग्रुप बना लेंगे कि हमने बना लिया एक ग्रुप जिसको हम सीबीटी दे रहे हैं, एडिक्ट्स दोनों में ही है, हमने दो ग्रुप ले लिया, हमारा हमारा चेंज हो गया थोड़ा सा। अब हमने क्या किया, हमें चेक करना है कि भाई हमारे सीबीटी इनके साथ काम करती है कि नहीं करती है। तो हमने ग्रुप वन लिया जिसमें कुछ सैंपल है, मतलब मान लिया कि 10 लोग हैं, है ना, 10 एडिक्ट्स हैं, उनको हमने सीबीटी दी, ठीक। और एक ग्रुप टू ले लिया, उसमें भी 10 एडिक्ट हैं, उनको हमने सीबीटी नहीं दी, ठीक है। क्या सीबीटी देने के बाद एक महीने देने इनके स्कोर्स में कुछ चेंजेस हुए, इनके स्कोर में कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, ये हमने देख लिया, ठीक। लेकिन अब इसमें भी एक क्या है, ट्रिक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सीबीटी नहीं सिर्फ इंसान बात कर रहा था जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बात करने से ही इंप्रूवमेंट हो गया क्योंकि वेंटिलेट हुआ और ठीक होना शुरू हो गया। तो इसको भी मेजर करने के लिए हम ग्रुप थ्री भी ले लेंगे। ग्रुप थ्री में हम क्या करेंगे, हम उसके साथ में सिर्फ बातें करेंगे, है ना, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो तो समझते होंगे ना आप लोग, तो हमने उसको सिर्फ प्लेसिबो, है ना, कि एक पर्सन जाता है काउंसलर सिर्फ बातें करता है, सीबीटी भी नहीं कर देता, वो सिर्फ बातें करता रहता है, करता रहे उससे बातें करता है, कैसे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ रहते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। एक ग्रुप को कुछ भी नहीं किया गया, ना प्लेसिबो दिया गया ना सीबीटी दी गई, ठीक है, एक को सीबीटी दी गई। अब ये तीन स्कोर्स आ गए, इन तीनों स्कोर्स को हमने आपस में क्या कहते हैं, इनकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर दी, क्या इनके बीच का डिफरेंस है या नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम और क्लियरली कह सकते हैं, तो अगर प्लेसिबो के इफेक्ट को, है ना, अब हम देखेंगे कि सीबीटी जिनको जिनको कोई भी कोई जिनसे कोई बात ही नहीं कर रहा था, उनमें और इनमें कुछ डिफरेंस आया है क्या, तो हम अगर हमें पता लगता है तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेसिबो का डिफरेंस है, प्लेसिबो की वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सीबीटी का जो इम्प्रूवमेंट आया है उसमें से अगर हम प्लेसिबो का निकाल दें तो एग्जैक्ट सीबीटी का कितना इफेक्ट होता है वो हमें पता लग जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इस तरह की, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मैंने रॉ फॉर्म में समझाया है, एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, आप देखोगे रैंडमाइज डिजाइन, रिप्लिकेशन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंट डिजाइन। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में ये कि क्या मतलब होता है इसका, रिसर्च डिजाइन का, तो कैसे आप इफेक्टिवली मेजर करेंगे, वो आपका होता है रिसर्च डिजाइन। और ये जो स्टेप्स हैं वो कैसे अपनी हाइपोथेसिस आप टेस्ट करेंगे उसमें कोई गड़बड़ ना हो, वो आपका प्रोसेस होता है जो स्टेप वाइज हमने किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, वो मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात ये। गर्व, यस सर, यस सर, प्लीज, ठीक है। सो हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन स्टार्ट करेंगे। श्योर सर, ओके ओके ओके।